भारत विश्व गुरु रहा है और हमारे विश्व गुरु होने का सबसे बड़ा विषय यही है कि भारत की आध्यात्मिकता। यदि अमेरिका में जाए तो उसके राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो खेत में काम करने वाला भी बता दे, लेकिन अगर भारतवर्ष के किसी गांव में जाए वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं बता पाएगा शायद, किंतु अगर पूछे राम कितने भाई थे, वो किनके पुत्र थे, ये दशरथ किनके पुत्र थे, तो संभवतः बता दे। हम उस देश के वासी हैं और इस देश में गुरु परंपरा आध्यात्मिकता के कारण ही हम संपूर्ण विश्व में गुरु के पद पर विराजमान रहे हैं और आने वाला समय में भी होगा, जिस प्रकार हम सभी कार्य कर रहे हैं। आज देश हमारा बहुत ही षड्यंत्र के कुचक्र से चल रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की एक कुचेष्टा चल रही है, हमारे धर्म के ऊपर तरह तरह से प्रहार हो रहे हैं, गुरुकुल को बंद किया जा रहा है और गुरुकुल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि आप मदरसों में देखें कि मदरसे में क्या शिक्षा मिलती है। टैक्स हम देते हैं, गुरुकुल क्यों बंद हो रहा है, क्या यह हमारा दायित्व तो नहीं है? यदि हम तिलक लगाते हैं, यदि हम भगवा पहनते हैं, यदि हम राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के हैं, यदि हम हिंदू हैं, यदि हम भारतवासी हैं, तो आज के दिन हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम गुरुकुल को पुनः पुनर्स्थापित करेंगे और पुनः हमारा ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करके हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे पुनः हमारा राष्ट्र, हम पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होंगे। ये हमारा सभी का नैतिक कर्तव्य है, हम सबों को इस दिशा पे कार्य करनी चाहिए, सरकारें कोई भी हो, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये बातों को हम मांग रख के हम गुरुकुल के पुनः स्थापना करें और अपने अपने स्तर से जितने भी जो धर्म को मानने वाले हैं, सनातनी हैं, अपने स्तर से सभी को ये कार्य करने की आवश्यकता है। निलय जी,